हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी त्रिपाल एससी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नई भर्ती निकल कर आई है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट पर भर्ती निकली है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी सारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एज लिमिट कितनी चाहिए, टोटल वैकेंसी कितनी है, और दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जो कि आपको दोस्तों देखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो दोस्तों आप लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को जरूर देखना जिसमें क्या क्या चीज एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और वीडियो आपको अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं कर लगता है वीडियो को लाइक करने में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कोई भी नई अपडेट, तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको मेन मुद्दे पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पर आपको देखना है। यहाँ पर लिखा है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क AG3 ऑनलाइन। दोस्तों, सिंपली आपको इस पर टैप कर दोगे तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UP SSC। दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो भर्ती निकाली गई है, सबसे पहले देखते हैं इसके जो आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इसके जो आवेदन स्टार्ट हुए हैं ये 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर 2023 से इसके आवेदन स्टार्ट हुए हैं। और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट होगी ये 3 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट होगी, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 3 अक्टूबर 2023 ही होगी। और दोस्तों, इसकी जो करेक्शन डेट होगी ये 10 अक्टूबर 2023 यानी कि 7 दिन आपको मिलेंगे इसके करेक्शन, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सही करने के लिए। और उसके जो एग्ज़ाम डेट है ये आपको आगे शो नहीं हो रही है, आगे बता दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके जो एडमिट कार्ड होगा ये आपके एग्जाम से पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल OBC और EWS वालों के लिए 25 रुपये, SC ST वालों की भी 25 रुपये है, और PH वालों की भी 25 रुपये ही फीस रखी गई है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम फीस ले रहे हैं ये लोग। अब दोस्तों, नीचे देखते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है तो दोस्तों आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये 5512 है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट है। अब इसका जो पोस्ट नेम है ये जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क असिस्टेंट Grade 3 की पोस्ट नेम है, और जो टोटल पोस्ट है ये आपको बता दिया कि 5512 हैं। अब दोस्तों, इससे पहले अगर देख लेते हैं इसमें कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप UP SSC पैट 2022 स्कोर कार्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपने 2022 में पैट कर रखा है तो उसका एक स्कोर कार्ड इसमें लगेगा, और 10th+2 यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए। और दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के बारे में दिया गया है, आपकी 25 WPH इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप लोग डिटेल में देखोगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी दी गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1889 पोस्ट हैं, EWS के लिए 326, OBC वालों के लिए 763, SC वालों के लिए 770, और ST वालों की 83 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर दोस्तों 5512 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों, आप लोग इस पर क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। और दोस्तों, डाउनलोड वैकेंसी और यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन, अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन के क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो इससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप लोग इस फॉर्म को भरोगे या नहीं, तो दोस्तों जिससे कि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है और कितने लोग करने वाले हैं।